हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीम रिइंफोर्समेंट के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीम की रिइंफोर्समेंट की चेकिंग कैसे करते हैं। तो ये उससे पहले की वीडियो है कि बीम को फिक्स कैसे करते हैं, बीम का रिइंफोर्समेंट को फिक्स कैसे करते हैं डाउन करने से पहले। ये अभी आप बीम रिइंफोर्समेंट का काम चल रहा है, स्लैब का रिइंफोर्समेंट होता है, बीम का रिइंफोर्समेंट होता है, लेकिन सबसे पहले बीम रिइंफोर्समेंट को करते हैं। ये हमारा बीम रिइंफोर्समेंट का काम चल रहा है। पहले क्या करते हैं, बीम को हम सबसे पहले जो भी अकॉर्डिंग टू ड्राइंग जो भी बार होते हैं उसको फिक्स कर लेते हैं। ऐसे ये देखिए, ये हमारी बीम है, टॉप बार हो गया, बॉटम बार हो गया, टॉप एक्स्ट्रा बार हो गया, ये टॉप एक्स्ट्रा हो गया, ये डाउन का हो गया, जितने भी ये बार होते हैं ये सबको फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको डाउन करते हैं। इसको ये देखिए, ये बीम की डेप्थ है, ये डेप्थ नीचे देख रही है, ये 700 mm डेप्थ है। अभी पूरा जब कंप्लीट हो जाएगी बीम, जब सब फिक्स कर लेंगे, सब बांध लेंगे, तो सब उसको नीचे पूरी बीम को डाउन कर देंगे। और डाउन करने से पहले सब बार को फिक्स कर लेते हैं। जो हमारी ये स्ट्रब होती है, जो अकॉर्डिंग टू जो स्पेसिंग होती है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, वो सब स्पेसिंग सेट कर लेते हैं। और ये हमारी ये स्पेसर, ये कवर, ये हमारा क्लियर कवर 25 mm जो बीम में होता है, ये हमारा 25 mm का एक साइड लगा देते हैं, इधर साइड लगा देते हैं, सब रिंग में नहीं लगाते हैं, थोड़ा छोड़ छोड़ के अल्टरनेट लगाते हैं, जिससे कि हमारा बीम में कवर मिलता है। और ये हमारी, अब मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि ये हमारी जो स्ट्रप है इसको कैसे फिक्स करते हैं। इसका एक हुक अगर इधर होता है तो जो एडिक्शंस का स्ट्रप होगी उसका हुक इसका इस साइड होगा, एक हुक इस साइड होगा, एक हुक इस साइड होगा, सेम साइड हुक नहीं रख सकते। तो अब ये हमारी ये लैपिंग हो रही है उस बीम की, जो मेन बार है उसकी ये लैपिंग है। अगर बीम कंटिन्यूस होती है, अगर यहाँ पर कुछ एंड नहीं हो रहा होता है, तो उस बीम के जो टॉप बार होता है उसको इस साइड से लैपिंग कर देते हैं। ये लैपिंग जो हमारी है वो 41 × D है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, 41 और इंटू डी, डी जो होता है वो डाया ऑफ बार, ये 25 mm डाया का बार है, तो 41 × 25 करके ये हमारी लैपिंग मिल जाती है। इसी तरह से ये बॉटम बार में लैपिंग करी गई है, उसका जो बॉटम बार है इसमें लैपिंग करी गई है, इस बीम का जो बॉटम बार है वो इस साइड लैपिंग करी गई है, और इस बीम का जो मेन बार है टॉप बार ये जो जा रहा है इसकी लैपिंग इस साइड की गई है। ये देखिए रिव्यू नीचे यहाँ पर आ रहा है, इसकी लैपिंग यहाँ पर की गई है। और ये देखिए एक बीम इधर से आ रही है, ये डक की बीम है, ये यहाँ पर जाके बेंड हो जाती है। तो ये जो बेंड होता है इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जहाँ पर भी एंड हो रहा है ये बेंड, इतने लेंथ को बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है, ये हमारी 35 × D है, ये 35 × D 35 और डी डाया ऑफ बार, जो डाया का बार है डी उसको बोलेंगे। ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ हो गई है, जो हम बेंड करते हैं उसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। ये देखिए उस बीम की डेवलपमेंट लेंथ है, इतनी बेंड करी गई है। अब आपको दिखाते हैं फिक्स बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। फिक्स बीम क्या होती है, एक एंड से ये हमारा कॉलम, एक कॉलम के एक एंड से दूसरे एंड पे जो पूरी कंटिन्यू बीम होती है उसको फिक्स बीम बोलते हैं। ये हमारी बीम पूरी फिक्स है पूरी, और सिंपली सपोर्टेड बीम ये देखिए, ये जो बीम जा रही है बीच में, ये बीम हमारी रेस्ट है बीम पे, ये बीम इधर रेस्ट है और एक उधर रेस्ट है। तो ये जो बीम टू बीम रेस्ट होती है इसको सेकेंडरी बीम भी बोलते हैं, और ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये प्राइमरी बीम हो गई कॉलम टू कॉलम, और बीम के ऊपर जो सपोर्ट होती है वो सेकेंडरी बीम होती है। एक ये हमारी जेड बीम होती है, ये जेड शेप में होती है। देखिए एक बीम में से पूरी नीचे जा रही है, फिर इसी के ऊपर एक बीम ऊपर जा रही है, तो ये ऐसे जेड शेप बन जाता है, जेड शेप बनता है, इसको जेड बीम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नीचे वाली बीम पूरी कॉन्टीन्यूस होती है, 500 mm की है, ऊपर वाली बीम 700 mm की है। इसकी नीचे वाली की जो स्ट्रब होती है वो कॉन्टिन्यू जाती है, और फिर ये जो 700 mm की जो डेप्थ की बीम है उसकी पूरी स्ट्रप एक पूरी कॉन्टिन्यूस ऊपर तक जाती है, नीचे से ऊपर तक। ये हमारी संक में यूज़ होती है, जहाँ संक होता है वहाँ पर इस बीम को बनाते हैं। संक और डक जहाँ पर आता है इस बीम का यूज़ करते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं जेड बीम। ये उसकी डेवलपमेंट लेंथ आ रही है, ये देखिए डेवलपमेंट लेंथ आ रही है, इसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैंटिलीवर बीम के डिटेल के बारे में। कैंटिलीवर पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैंटिलीवर में कंप्रेशन जोन कहाँ पर होता है, टेंशन जोन क्या होता है। तो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो उस पर कमेंट करिए, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।